हाँ जी दोस्तों, हुणे हुणे केंद्र सरकार वालों एक वड्डी अपडेट आई है कि किसानों का 1,00,000 करोड़ रुपए का केंद्र सरकार वालों कर्जा माफ किया जाएगा। इस बारे तुहानू सारी जानकारी देवांगे कि ये कर्जा कदों तक माफ किया जाएगा। तो दोस्तों, जिन्हां दोस्तों ने हाले तक चैनल नू सबसक्राइब नहीं किया, एक बार सबसक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दब लेना ते नाल ही ऑल नोटिफिकेशन ते क्लिक कर लेना, हर रोज़ इसे तरह दीआं जानकारी भरपूर वीडियोज़ देखण दे लई। हुण गलबात करदे जी केंद्र सरकार की आई नवी अपडेट बारे कि करोना वर्गी महामारी बीमारी के आन नाल सब तो वध नुकसान साडे देश दे किसानां नू होया, जिस कारण उन्होंने कई तरह दीआं मुसीबतां दा सामना करना पै रहा। देश विच किसान सब तो वध दुख चल रहे हैं। इस वेले मार्केट में थोक विक्रेता बहुत घट कीमत किसानों तो सब्जियां ते फल खरीद रहे हैं, जिस किसानों की लागत ही नहीं पूरी आ रही, जिस कारण किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत माड़ी होंदी जा रही है। तो किसानों नूं ज़्यादा परेशानी ना आवे, इस करके केंद्र सरकार देश में तालाबंदी के दौरान किसानों लिए कर्जा माफ़ी स्कीम तैयार कर रही है। तो जे सूत्रों की मनीए तो केंद्र सरकार किसानों के 1,00,000 करोड़ रुपए की कुल कर्जे माफ़ करने की योजना पर काम कर रही है। सरकार ये लाभ 4 पड़ावों देने दे प्रस्ताव से भी विचार वटांदरे कर रही है। तो केंद्र सरकार पहले पड़ाव तकरीबन 25,000 करोड़ के कर्जे माफ़ करने बारे सोच रही है। तो सरकार के राहत पैकेज तहत प्रधानमंत्री किसान कर्जा माफ़ी स्कीम का ऐलान किया जाएगा। तो सरकार ने देश के लिए कुल 20,00,000 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इस आर्थिक पैकेज में किसान गरीब मजदूर और छोटे उद्यमियों लिए वड्डे हिस्से की घोषणा की है। आर्थिक पैकेज के इस हिस्से तो किसानी कर्जे माफ किए जाएंगे। तो दोस्तों, ये सी केंद्र सरकार वालों आई हुने हुने एक वड्डी अपडेट। तो दोस्तों, साडे द्वारा दित्ती जानकारी तुहानू किदां दी लगी सानू कमेंट बॉक्स दे विच कमेंट करके जरूर दसना, ते असी हाजिर होवांगे तुहाडे लई इसे तरह की किसी होर नवी जानकारी दे नाल। हुंदे लई इन्ना ही, धन्नवाद दोस्तों।